बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम उर्दू टीचर इन पिशावर मॉडल स्कूल नौशहरा कैंपस फॉर ग्रेड 7 अगस्त SVT लेक्चर नंबर 2। डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी अगस्त की SVT का लेक्चर नंबर 2 है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 है, क्योंकि इससे पहले जो मैंने आपको लेक्चर दिया था वो ओरल था, और ये आज जो है वो रिटन वर्क है। ये देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है तहरीर और क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन है, अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों का हमें कैसे शुक्र अदा करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताती चलूँ कि जिन स्टूडेंट्स ने अप्रैल, मई और जून का होम टास्क नहीं लिया, तो वो स्कूल ऑफिस से कलेक्ट करके कंप्लीट कर लें और फिर सबमिट कराएं। इसके अलावा बच्चों, जो जून और अगस्त की SVT के मार्क्स है, वो आपके सितंबर की ऑनलाइन असेसमेंट में काउंट होंगे। स्टूडेंट्स, अगर आप में से किसी ने जूम ऑनलाइन क्लास में ख़ुद को एडमिट नहीं किया, तो वो ख़ुद को एडमिट कर लें, क्योंकि जो जूम ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू आपको जो कुछ पढ़ाया जा रहा है, तो आप अपनी स्टडी से इन टच रहें और आपका टाइम वेस्ट ना हो। स्टूडेंट्स, अप्रैल, मई और जून से रिलेटेड जो वीडियोस है, जो क्वेश्चन है, वो यूट्यूब पे अपलोड है, तो आप वहाँ से देखकर अपनी SVT कंप्लीट कर लें। अब हम आपकी अगस्त की लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 1 है, और ये आपने SVT नोटबुक में करना है, ये आपका रिटर्न वर्क है। तो क्वेश्चन, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों का हमें कैसे शुक्र अदा करना चाहिए। स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये आपने SVT नोटबुक में करना है, तो इस तरह से पेज अरेंज करके आपने सवाल लिखना है। सवाल नंबर 1 हेडिंग दे के सवाल लिखना है, और फिर जवाब हेडिंग दे के इस सवाल का आपने जवाब लिखना है। तो जवाब कुछ इस तरह है कि अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार नेमतें अता की हैं, मसलन ज़मीन व आसमान, दरिया, पहाड़, सूरज, चाँद, सितारे, फल, फूल, पौधे वगैरह, और इसके अलावा वालदेन, असातज़ा, बहन भाई, रिश्तेदार, दोस्त, बीवी, बच्चे, शोहर और मुख्तलिफ़ किस्म के और रिश्तों से भी नवाजा है। अल्लाह ताला ने हमें लातादाद और बेशुमार नेमतों से नवाजा है, कि जिनको शुमार में लाना नामुमकिन है। हम अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों का जितना भी शुक्र अदा कर ले, कम है। अल्लाह ताला ने जितनी नेमतें हमें अता की हैं, इसका शुक्र और अजाला हम कभी नहीं कर सकते। हम अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों का शुक्र इसकी इबादत करके अदा कर सकते हैं, नेक काम करके, दूसरों की खिदमत करके, लोगों की मदद करके, मुसीबत ज़दा की मुसीबत को दूर करके, नेकी के रास्ते पर चल के अदा करना चाहिए। इसके अलावा अल्लाह की नेमतों का जितना भी शुक्र अदा किया जाए, कम है। सबसे पहले अगर हम अपने जिस्म पर गौर कर लें, सबसे पहले अगर हम अपने आप को देखें, तो हमें अल्लाह ताला ने हाथों, कानों, पाँव, आँखों से नवाजा है, ठीक है, यानी मुख्तलिफ अज़ा से नवाजा है, और हमें बहुत खूबसूरत बनाया है, और हमें अशरफुल मखलूकात बनाया है। तो हमें अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करें तो कम है। हमें दिन रात अल्लाह की तारीफ़ करनी चाहिए, इसकी बड़ाई बयान करनी चाहिए, इस कायनात पर और इसके निज़ाम पर गौर करके अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और सबसे बढ़कर, अल्लाह ने हमें मुसलमान घराने में पैदा किया है, तो ये इतनी बड़ी नेमत है कि अगर सारी ज़िंदगी सजदे में भी गुजार लें, तो अल्लाह की इस नेमत का शुक्र अदा नहीं कर पाएंगे। हमें हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि क्लास 7 के मज़ीद लेक्चर आपको मिल सके। थैंक यू सो मच, टेक केयर।